सफाई कर्मियों को मिलने वाली सैलरी से संबंधित जरूरी कागजात जमा करने में ठेकेदार द्वारा हो रही हिला हवाली को देखते हुए शनिवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सफाई इंस्पेक्टर और सुपरवाइजरों के साथ नगर निगम सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने सफाई इंस्पेक्टर और सुपरवाइजरों को महानगर में साफ सफाई की व्यवस्था और खुले में शौच से मुक्ति के लिए आवश्यक निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने कहा कि साफ सफाई से संबंधित जो भी लोग हैं अपने काम पर ध्यान दें, अन्यथा उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम के साफ सफाई संबंधित अधिकारी, सफाई इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, अगर इसका फोटो लगा जाए थोड़ी सी आपको जो लगा देंगे, पिछले बार देखिए राजू चंद्रा साहब की नगर निगम साहब की कितना बढ़िया थे, कम से कम एक रहे भाई कहीं मतलब न दिक्कत हो, जो टारगेट अचीव कर लें। लेकिन अब तो जानते हैं टारगेट पूरा, अभी भी यहाँ वो बाहर शौच जा रहे हैं, जितने रिक्शे वाले हैं जितने कंपनी वाले बाहर से जो आवाज नहीं रहे हैं, तो किसी का सर्टिफिकेट मस्त है, वो भी समझिए कैसे वो तैयारी कर भेजेंगे, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि 15 तक ही कराना है, अगर 15 तक नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको ध्यान दे पाना पर्सनल वार्ड से क्या कर दिया गया है वो तो हम लोग कोशिश करके पूरे करवा दिया की तो स्वयं जिम्मेदार होगा। एकदम निर्देश है कि उसको पहले 3,000 मिलता था, वो भी हाथ में नहीं आता था, जिसके जो मर्जी आया वो 1,500 पकड़ा दिया, त्योहार का टाइम है तो 1 महीने का वेतन दे दिया, 2 महीने का उसका वेतन मिला कि नहीं मिला तो फिर वो काम क्यों करेगा। तो पहले तो वही परंपरा एकदम समाप्त होने जा रही है। सफाई कर्मियों को 5,800 रुपये जो तनख्वाह जाना है उसकी सैलरी उसके खाते में जाएगी। पहले महीने में लेट हो रही है कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए लेट हो रहा है कि उसका एक्चुअल खाता नंबर वेरीफाई कर दिया जाए, समय से उसका मस्टर रोल वेरीफाई करिए। कर्मचारी की लगातार उपस्थिति अपने रजिस्टर में दर्ज करिए, जो अटेंडेंस हो रहा है कर्मचारी टाइम से आए टाइम से जाए और उसकी उपस्थिति समय से दर्ज हो जाए। उपस्थिति का जो स्थान है वो पहले से निर्धारित है, उसी स्थान पे जाए ताकि हम ही किसी दिन जाना चाहें, किसी दिन अभी 70 वार्डों के जो हमारे नोडल अधिकारी हैं इनके माध्यम से चेक करवाया जाएगा कि अपने अपने वार्ड में जाइए और उपस्थिति वेरीफाई करिए। और वेरीफाई करते समय GPS कैमरे से, सबने GPS कैमरा डाउनलोड कर रखा है, GPS कैमरे से सारे सफाई कर्मियों को इकट्ठा करिए और उनके फोटोग्राफ लीजिए। ऐसा नहीं है कि राजकुमार का चेहरा आज ये है तीसरे दिन बदल जाएगा, नहीं तब ये राजकुमार है फिर अगले हफ्ते बदल जाएगा, नहीं तब खाता नाम तो वही है लेकिन अब ये राजकुमार हैं, बाप की जगह बेटा आ जाए, बेटे की जगह भाई आ जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं। जो सफाई कर्मी है सो है, उस नाम का आईडी भी क्या रख लीजिए। सभी सुपरवाइजर को अच्छी तरह समझ लें, किसी का पैसा ऐसे खाते में नहीं जाएगा कि जिस आदमी का काम में अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए हर वार्ड में आईडी ली जा रही है कि वार्ड
संख्या जो है, अगर झारखंडी महाराज है तो भागीरथ भी है, सम्राट कोरी है, इनका आईडी होना चाहिए, इनका आधार कार्ड लगाइए, वोटर आईडी कार्ड लगाइए, बैंक पासबुक कार्ड लगाइए, ताकि नगर आयुक्त साहब ने साइन करने के पहले हर वार्ड में किसी दो दो लोगों का नाम उठा के देखें कि साहब हो गया। जितने लोग वार्ड में झाड़ू लेने काम किए हैं सिर्फ उन्हीं का वेतन निकल लेगा, और फाइल विज्योर होनी चाहिए कि हर फाइल में वार्ड देखिए। सफाई कर्मी जो फील्ड में कार्यरत हो रहे हैं ये उनके खाते में पैसे सीधे जाएं ताकि सफाई कर्मी को लाभ मिल सके और शासन से निर्धारित रेट उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। सभी सफाई कर्मी जो कार्यरत हैं उनका आईडी वेरीफाई किया जा रहा है, उनका डिटेल लिया जा रहा है और वार्डवार उनके खाते में पेमेंट किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। दूसरा, खुले में शौच से मुक्ति ODF करने के लिए जो हमारा कार्य हो चुका है उससे संबंधित कई प्रमाण पत्र जो अभी भी अवशेष हैं आज उनको प्राप्त किया जा रहा है, क्योंकि ये विशेष प्राथमिकता का कार्य है, इसलिए आज अवकाश के दिन में भी सभी कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा सके। सफाई संबंधित निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सफाई व्यवस्था हमारी है उसको दुरुस्त किया जाए, सभी सफाई कर्मी समय से सबसे पहले अपनी हाजिरी कराएंगे, फिर अपने अपने बीट के हिसाब से क्षेत्र में जाके कार्य करेंगे, स्वच्छता वातावरण को सांस समिति और नोडल अधिकारी के माध्यम से उनके किए गए कार्य का सत्यापन किया जाएगा और समय से सफाई कर्मी का भुगतान उसके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।